नमस्कार, बीएनएन टाइम्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। 5 आरोपियों को भेजा जेल, 2 आरोपी रिमांड में। 20 करोड़ के साइबर धोखाधड़ी मामला, 14 आरोपी अब तक गिरफ्तार। 20 करोड़ के साइबर धोखाधड़ी मामले में आज पुलिस ने 7 आरोपियों को न्यायालय में पेश किया। इनमें से 5 आरोपियों को जेल भेज दिया है, जबकि झारखंड से गिरफ्तार 2 अन्य आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लिया है। वहीं इस मामले का आगे का खुलासा होते हुए अब तक कुल 14 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जहाँ 7 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर बालाघाट लाया जा रहा है। इस पूरे मामले में बालाघाट पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी। ज्ञात हो कि बालाघाट पुलिस ने अंतर्राज्यीय साइबर फ्रॉड गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस पूरे नेटवर्क में अभी तक 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पूरे देश में 20 करोड़ से अधिक के मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का खुलासा इसमें हुआ है, जो कि 18 राज्यों में फैला हुआ है, जिससे उन राज्यों की पुलिस भी इस पर पूरे मामले में जांच कर रही है। पुलिस ने आयकर विभाग और ईडी से भी संपर्क किया है। इस पूरे मामले के संदर्भ में पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार और मध्य प्रदेश पुलिस, झारखंड पुलिस, आंध्र प्रदेश पुलिस और कई राज्यों की पुलिस टीमों के वित्तीय फ्रॉड शाखा द्वारा समन्वित कार्रवाई के दौरान एक बड़ा अंतर राज्यीय साइबर धोखाधड़ी मेगा नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है, जिसमें अब तक 14 आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसमें 7 आरोपी को न्यायालय में पेश किया था, जहां पर 5 आरोपी को जेल भेज दिया गया और 2 आरोपी को रिमांड में लिया गया है। वहीं इस पूरे मामले में अब तक कुल 14 आरोपी हो गए हैं। मामले की आगे जांच जारी है। लगातार हम लोगों ने एक के बाद एक परतें खोली हैं। तो सबसे पहले तो जो 8 मुख्य आरोपी हमारी गिरफ्त में आए थे, वो आपकी जानकारी में ही। उसके बाद कुछ लोकल मोबाइल शॉप्स में या आसपास के जिलों में मोबाइल शॉप्स में, जहाँ पे हम लोगों ने ये मोबाइल जो कि कई बार फर्जीवाड़ा करके या किसी तरह से आइडेंटिटी फ्रॉड करके किसी ई कॉमर्स साइट से बिना प्रॉपर बिलिंग के या फिर किसी फर्जी नाम से बिलिंग करा के बुलाए गए हैं, जहाँ इन्होंने बेचे हैं जिन दुकानदारों को, उन पर भी आज कार्रवाई की गई है। ऐसे बालाघाट से 5 शॉप ओनर्स के खिलाफ भी कार्रवाई की है, गोंदिया के शॉप ओनर्स पर भी कार्रवाई की है और इसके अलावा भी अन्य लोगों पर जाँच जा रही है, शीघ्र ही कार्रवाई की है। सर, इनके चीन से क्या संबंध है, ऐसा पता चला रहा है कि इसमें चीन से भी संबंध है कुछ मुख्य संचालकों के, जहाँ से माल बुला है। उसकी हम लोग जाँच कर रहे हैं, विभिन्न तरह तरह की सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, हर एंगल पर हम लोग कार्य कर रहे हैं, कोई भी ऐसा पहलू अनसुलझा नहीं छोड़ा जाएगा, सभी बिंदुओं पर जाँच कर रहे हैं। क्या कुछ धाराएं इनके ऊपर लगी है, व्यापारियों के ऊपर? देखिए, जो प्रकरण है पूरा एक बृहद प्रकरण है, इसमें 7-8 अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग तरीके फ्रॉड कर रहे हैं। तो जिसने जिस तरह का फ्रॉड किया है उसको उस तरह की धाराएं, जैसे कि इनके ऊपर जो व्यापारियों की आप बात कर रहे हैं, व्यापारियों के ऊपर एक फ्रॉड से द्वारा लाया गया या किसी बिना बिल के या फर्जी बिल के द्वारा जो लाई गई वस्तु है उसको खरीदने का आरोप है, तो उनके ऊपर उसी धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। सर, कितने लोगों को रिमांड में लिया गया? रिमांड में वर्तमान में 2 लोग हैं हमारे पास वर्तमान रिमांड पे, जिनसे कि और भी फर्दर जानकारी निकालने। सर, वो कहाँ के, बालाघाट के हैं या बाहर के?